तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईफोन के नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, जो कि ये iOS 15.6, ये पब्लिक वर्जन है दोस्तों। इसके अंदर क्या किया गया, एक मेन बहुत बड़ा बग्स को यहाँ पर फिक्स किया गया है और भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है दोस्तों। क्या है आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने आईफोन की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर जनरल पे, और यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। इस सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद आपको इसको डाउनलोड या अपडेट कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप देखेंगे कितने एमबी का है। 15 ये iOS वर्जन है 15.6, जो कि है। इसमें क्या लिखा गया है, 15.6 इंक्लूड बग्स फिक्स एंड सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। और अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है। यहाँ पर मेन चीज़, अगर आप टीवी ऐप एट द ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसमें रिस्टार्ट की जो प्रॉब्लम थी उसको सही कर दिया गया है। फिक्स द इश्यू ऑफ सेटिंग माय कंटिन्यू, अगर आपके डिवाइस की जो मेन जो यहाँ पर अपडेट किया गया है वो ये है कि अगर आपके डिवाइस का स्टोरेज की अगर फुल का आपको बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है जब आपकी स्पेस खाली हो, तो उसको भी यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर दिया गया है, बोल सकते हैं फिक्स कर दिया गया है। और भी यहाँ पर कुछ भी जो भी स्लो डाउन हो रहा था रिस्पॉन्डिंग के लिए, वो भी यहाँ पर स्लो वो कर दिया गया। सफारी में जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कर दी गई। मेन चीज़ ये है कि अगर आप वहाँ पर देखते थे, अगर आपके सॉफ्टवेयर आपके पास स्पेस खाली हो या बोल सकते हैं स्टोरेज खाली हो, तो भी आपको स्टोरेज फुल का एरर दे रहा था, वो यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया गया है। तो पहले तो उसको मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर अपडेट में, आईफोन स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद पहले मैं इसका अपन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपडेट होने के बाद देखेंगे क्या यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास स्पेस कितना है अपडेट होने से पहले। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास iOS जो डेटा है 19.9.111 का है और सिस्टम डेटा 19 KB का है। तो ये यहाँ पर ऐसा है, इसको यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर फ्री स्पेस कितना है मेरे पास, 28 GB में से 108 GB भरा हुआ है, मतलब फ्री स्पेस मेरा लगभग 20 GB के आसपास है। तो मैं इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद और इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट होने के बाद देखते हैं कि कितना यहाँ पर फ़र्क हुआ है। तो अब वापस आ गया हूँ यहाँ पर, सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक कर लिया। ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है 554 MB का है, तो उसको मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेता हूँ। फाइनली डाउनलोड होना चालू हो गया है। तो डाउनलोड होते ही मैं आपको कन्फर्म करता हूँ, उसके बाद अपडेट होने के बाद देखते हैं क्या नए चेंजेस आए हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली ये हो चुका है अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ अनलॉक। फाइनली दोस्तों, ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको ले जाता हूँ वापस सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर चलते हैं जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद अब यहाँ चलते हैं आईफोन स्टोरेज पे। स्टोरेज पे जाके देखेंगे आप, मेरा जो स्पेस था पहले ज़्यादा भरा हुआ था, अब इस अपडेट के बाद पहले मेरे पास 108 GB भरा हुआ था। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले मेरे पास 108.3 GB यहाँ पर भरा हुआ था और अब अपडेट के बाद यहाँ पर 107.5 GB, मतलब स्पेस यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो मेरे पास पहले सिस्टम का डेटा कितना था, 9.1 GB का था पहले, मतलब अभी इतना हो गया। पहले कितना था मेरे पास, पहले 9.11 GB, मतलब 0.10 यहाँ पर भी कम किया गया। तो मेन सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास स्टोरेज से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपको इसको अपडेट करना चाहिए। इस अपडेट से आपका स्टोरेज से रिलेटेड तो बग यहाँ पर पूरी तरह से फिक्स किया गया है। तो मुझे तो यार ये सही लगा, क्योंकि नहीं तो अधिकतर जो अपडेट आते हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो बढ़ता, क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज हमेशा बढ़ती थी, बट इस अपडेट का स्टोरेज यहाँ पर कम कर दिया गया है। और साथ में और भी कुछ बग्स को यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो मैं आपको वापस ले जाता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट में। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ अबाउट फोन में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये वर्जन नंबर 15.6 आ चुका है। और नीचे की तरफ यहाँ पर मिलेगा आपको स्टोरेज अवेलेबल, स्टोरेज मेरी यहाँ पर 20 GB की यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों, यही नेचर अपडेट था। मेरे हिसाब से आपको इसको अपडेट करना चाहिए। इस अपडेट से सिक्योरिटी भी फिक्स होगी और साथ में आपका स्टोरेज का जो मेन बग था वो वहाँ पर सोल्यूशन कर दिया गया है। ओवरऑल यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस तो अच्छा चल रहा है, इसके बाद क्विकली यहाँ पर वर्क कर रहा है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। और अगर आपको लगता है उसमें मेरी वीडियो कुछ कमी, तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी, आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हो। तो थैंक यू दोस्तों।